दोस्तों, अगर आप कॉल सेंटर स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए बेसिक क्या-क्या लाइसेंस लगते हैं ये मैं बताना चाहता हूँ। कॉल सेंटर स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये कि आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर प्राइवेट लिमिटेड नहीं है तो LLP होना चाहिए, जिसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है। ये दोनों में से कोई एक होना ज़रूरी है, पर प्रेफरेंस मैं ये दूंगा कि आप प्राइवेट लिमिटेड बनवाइए। दूसरी चीज़, वो बनाने के बाद आपको लेना है OSP लाइसेंस। OSP का मतलब होता है अदर सर्विस प्रोवाइडर। ये मेन BPO का लाइसेंस है, कॉल सेंटर का लाइसेंस है, जिसके बिना आप अपना कॉल सेंटर नहीं चला सकते, और वो लेना ज़रूरी है। तो ये लाइसेंस जो है कॉल सेंटर का और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये दोनों अगर आप बनवाना चाहते हो तो मैं आपको बना के दूंगा। आप किधर भी हो इंडिया में, नो वरीज, आप मुझे कॉल कीजिए और फ्री में हम आपको कोटेशन भी देंगे और एडवाइस भी देंगे। लेकिन लाइसेंस बनाने के बारे में, प्रोजेक्ट्स मेरे पास नहीं है और मैं फेक प्रोजेक्ट जो लोग बेचते हैं उनके खिलाफ हूँ। और आपको भी ये बोलूँगा कि अगर आपके हाथ में कोई जेन्युइन प्रोजेक्ट आ रहा है तो ही कॉल सेंटर के चक्कर में पड़िए, वरना इसमें ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाएँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं और जानकारी देते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आई विल रिक्वेस्ट यू, पहले व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और कॉल करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।